start with the revision of a last time lecture, that we have studied about the different types of material which are used in electrical appliances. We might have created a list of electrical appliances which has different materials used. It has different components. Say for example, if you are having a machine where there are two main important parts, one is your conducting material and another is called is your insulating material. तो ये सारे materials का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसके लिए उनके properties को देखना बहुत जरूरी है, उनके properties को समझना बहुत जरूरी है. Characteristics of a good conductor material जैसे है, उसी प्रकार से आपके वो जो characteristics है material के, these are flexibility and the material which should have a capacity to withstand the strength, allowing the electric current to flow. तो ये सारी चीजें जो है वो हमने last time देखी थी. Now we are moving ahead with the next point in the same topic, that is resistor. Resistor के बारे में कुछ discuss किया था, आपको याद है? Anyone? Resistive material के बारे में कुछ किया था discuss? See, अगर हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पीछे क्या पढ़ा है उसका revision करना भी जरूरी है. So spend the most 5 minutes, initial 5 minutes for our revision and then we'll start with the next topic. Okay, यहाँ तक सबको clear है? Just type yes in the chat box. Yes sir. Okay, so now we'll start with the today's first submission. क्या करना है आपको, किस तरह से term work लिखना है ये देखते हैं. Experiment number 1 है आपका, collect and study the data sheet of a conducting material. Okay, so I send this to you all. There is one Google form. In the Google form, I will share that with you also. आपको यहाँ पे आपका जो study material आपने ये किया है, उसको यहाँ पे add file करके upload करना है. और यहाँ पे enrollment number है, वहाँ पे आप आपका name डाल सकते हैं, because you don't have your name. क्या बोलते हैं? Enrollment number अभी तक नहीं मिला है ना आपको? तो सभी को गूगल क्लासरूम में नोटिफिकेशन आया होगा. सो कंडक्टिंग मटेरियल के डेटा शीट के बारे में डिस्कस किया है अभी लास्ट टाइम हमने, क्या देखा था ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर किया है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द रिवीजन ऑफ पॉइंट. ये किया था हमने लास्ट टाइम डिस्कस, याद आ रहा है आपको? यस सर. यस सर. सो व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग गूगल क्लासरूम और गूगल मीट, मेक श्योर यू यूज योर सोमैया आईडी, ये ध्यान में रखो. ओके, सुपर कंडक्टर्स के बारे में देखा था, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी? नहीं सर. नहीं सर, ये नहीं देखा था ना. इम्पोर्टेंस ऑफ, उधर तक ही देखा था सर, इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर तक देखा. ओके ओके, ठीक है. सो यहाँ तक आपको ये मटेरियल, रेजिस्टेंस मटेरियल एंड कंडक्टर मटेरियल, इसके डेटा शीट आपको ढूंढना है. कैसे ढूंढना है वो शायद बताया था आपको, how we should search for it. Simple, you go to the Google and search. Say for example, you will get many what you can say, say results. आपको बहुत सारे मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा आपको. Okay, so इसको क्या करेंगे, हम conducting material को replace करेंगे. So very first or very important conducting material क्या है आपका? Copper है. ये फर्स्ट रिजल्ट है, वो देखते हैं डेटा शीट क्या बताता है. सो ये सारे डिटेल्स है. ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको, बट इसमें जो डेटा है आपका, ये डेटा जो है ये आपको क्या करना है, आई विल शेयर दिस लिंक इन द चैट बॉक्स, तो आप ये लिंक को गो थ्रू कर सकते हैं. इसमें आपको डाउनलोड एज अ पीडीएफ भी मिलेगा. So physical properties are there, then chemical properties are there. Give me a moment. Okay, so यहाँ पे थोड़ा दिखने को दिक्कत हो सकता है, आप आपके मोबाइल पे, is it visible properly? I don't think so. No sir, on mobile में. Let me increase some zoom. अभी देखो. Yes sir, it's दिख रहा है. विजिबल है ना. हाँ, सो केमिकल प्रॉपर्टीज, सो बेसिकली डेटा शीट इज लाइक इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज लिस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल और द
मशीनरी और वॉट एवर दैट इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आफ्टर द केमिकल प्रॉपर्टी वी हैव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल susceptibility related with the magnetic field, related with the conductivity. Okay, then thermal properties. So these all properties plays an important role of every material, because these all material properties will help you to decide where we can use this material and it which quantity we should use it. Say for example, आपके घर में जो wiring है वो वायरिंग में कितने डायमीटर के वायर्स यूज करना है. ओके, वो आपके इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड है. इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन मतलब क्या, कि आपका घर में कितने एसी है, कितने फ्रिज है, कितने नंबर ऑफ लार्ज अप्लायंसेस है, तो ये सारी चीजें वहां पे क्या होंगी, काउंट होंगी, समझ में आएगी. देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें कितने डायमीटर का या कितने डायमेंशन का जो कंडक्टर है वो यूज करना है. तो ये कब पता चलेगा, जब हमारे पास वो नंबर रहेगा. एंड दिस डेटा शीट इज प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर डेटा शीट, से फॉर एग्जांपल फॉर कॉपर. सिमिलरली यू कैन सर्च फॉर द एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के लिए कैसे सर्च करना है, सेम यू गो टू द गूगल, सर्च फॉर एल्यूमिनियम डेटा शीट. एल्यूमिनियम इज ऑल्सो वन ऑफ द widely used material for electrical conductors. Let me share this tab with you. So this data sheet is about aluminium conductors. Aluminium conductors मतलब जो आपको आपके रेलवे से जाते हुए या फिर रोड से जाते हुए आपको जो कंडक्टर्स दिखते हैं ना, जो ओवरहेड लाइन पे जो कंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात किया है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो, लेट मी जूम इन फर्स्ट सो दैट यू कैन रीड दिस प्रॉपरली. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कोड नेम फॉर दैट कंडक्टर और द कंट्री, यू कैन से. देन नॉमिनल एल्यूमिनियम एरिया, इक्विवेलेंट कॉपर एरिया, स्टैंडिंग एंड वायर डायमीटर, एल्यूमिनियम स्टील क्या डिफरेंस है उसका. ओके, ओवरऑल डायमीटर, ये सारे आपके एप्लीकेशन मतलब दिस टाइप ऑफ जो कंडक्टर होता है उसका ये डिटेल्स है. बट वी आर मोर फोकस्ड ऑन द मटेरियल डेटा शीट. मटेरियल डेटा शीट मतलब लेट्स सी, ये भी केबल का ही रहेगा. ये दिस आर द केबल्स. ओके, ये आपने देखा होगा मेरे ख्याल से. In the power plant, to power transmission line networks, you must have seen this type of cables and wires, right? So, वहाँ पर जो material use होता है, वो material आपका aluminium को हम ज़्यादा select करते हैं इस overhead type of construction में. क्यों? क्योंकि first of all cost के बारे में सोचेंगे, then second is उसका surface area and low density, मतलब उसका weight जो है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है. एंड उसकी वजह से इस टाइप के जो कंडक्टर्स है वो आप हाइट पे उसे इंस्टॉल कर सकते हो. ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. बट दिस इज फॉर योर, दिस प्रॉपर्टीज इज फॉर योर कंडक्टर, मतलब उसका फाइनल प्रोडक्ट, नॉट फॉर द मटेरियल. ओके, तो वी आर लुकिंग फॉर मटेरियल. मटेरियल का कंडक्टर किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उसमें पोर्स रहते हैं, कितने स्मॉल कंडक्टर्स को एक साथ जोड़ के एक बड़ा कंडक्टर बनता है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है. ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो नाउ ऑल्सो दिस इज अनदर डेटा शीट, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. नाउ दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ मटेरियल्स फॉर, सी डेफिनेटली एनी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी will manufacture a material as per the applications requirement. Okay, now what are the applications? Applications are like in this case conductors matlab not the conducting material we are talking about, it's about the wires which you can see on the transmission towers, overhead lines. Okay, aage badhte hain.
I will share the link of this PDF also, but you don't need to upload the same PDF. क्या करना है आपको मैं बताता हूँ आपको. ये दोनों PDF का जो लिंक मैंने अभी गूगल क्लास अपने गूगल मीट में दिया है, आपको उसे रीड करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन द इम्पोर्टेंट डिटेल्स. ओके, वॉट एवर यू फील कि हमारे एक कंडक्टिंग मटेरियल की अगर प्रॉपर्टीज को हमने देखा तो उसमें ये प्रॉपर्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा आपको लगना चाहिए. और वो ऐसा आपको फील होने के लिए यू मस्ट स्पेंड सम टाइम विद दिस डेटा शीट. और उसमें जो जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उन वर्ड्स को आपको गूगल करना है, उसका मीनिंग समझ के लेना है एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द समरी ऑफ दिस डेटा शीट. ओके, ये डेटा शीट का पूरा कितने पेजेस का है, 18 पेजेस का है. और जो इसके पहले वाला था वो भी कुछ ऐसे ही 10-15 पेज का था. तो आपको उसे कम्प्लीटली रीड करना है, जो समझ में नहीं आता है उसके से पॉइंट उसको गूगल करना है. सो दिस इज योर 2 or 3 आवर्स ऑफ असाइनमेंट. तो अब ये 2 घंटा अगर अच्छे से इसको स्टडी करेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और आप जो डेटा शीट का समरी लिखोगे दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल. ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? देर आर मेनी पॉइंट्स विच विल बी यू नो यू विल सी दैट दीज पॉइंट्स आर वेरी मच यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड और यू विल से दैट दीज पॉइंट्स आर जो भी आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन लगता है, जो भी आपको नहीं समझ में आता है. अच्छा, ये आपको पीडीएफ क्या नहीं ओपन हो रहा है क्या? यस सर, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा. ठीक है, मैं आपको उसे सेंड कर देता हूँ, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ. ठीक है, ओके सर. मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ. ठीक है, और इसको आप फोन पे देख सकते हो बाद में, और इसे गूगल क्लासरूम में भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ये सेम कंडक्टर्स एंड रजिस्टर के इसमें ही मैं इसको अपडेट कर देता हूँ ताकि सेम आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये दोनों पीडीएफ आपको दिख जाएंगे. अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट. गिव मी अ मोमेंट. सो बेसिकली ये पीडीएफ आपको मिल गए हैं. इसमें जनरल पेज नहीं, आपको सिंपल एक नोटबुक रखना है. इसके लिए एक नोटबुक आप ले सकते हो. ओके, सो वो नोटबुक पे आपको एज असाइनमेंट 1 करके लिखना है और इसके में से डेटा आपको आपके नोटबुक पे लिखना है. ठीक है, सो दैट उसका ही आप फोटो निकाल के पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हो. ठीक है, अभी मैंने ऐड कर दिया है. सो यू कैन चेक दिस स्टडी मटेरियल विच इज अपडेटेड इन द गूगल. सर कब तक अपलोड करना है? ये करना है आपको नेक्स्ट वीक के पहले, मतलब नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट थर्सडे तक. तो अभी हमने असाइनमेंट नहीं अपलोड किया था ना, मैं आपको अभी ये टैब शेयर करता हूँ. ये आपका गूगल क्लासरूम है, इसमें आपको अभी एक नया कोर्स दिखा रहेगा. नया पोस्ट दिखा रहेगा वो इस पे जाके आपको. तो ये पोस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका पीडीएफ जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है ये गूगल क्लास इसमें. इधर गया तो ये स्टडी मटेरियल डेटा शीट जो दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस अपलोड कलेक्ट. यहाँ पे क्या करना है, एड फाइल करना है आपका पीडीएफ. कौन सा पीडीएफ? जो आपने इसके लिए यूज किया है. ये आइदर दिस यू हैव टू डू और यू कैन सिंपली आपके क्या बोल सकते हैं गूगल क्लासरूम में ही आप वहां पे उसको अपलोड कर सकते हो. अगर आपको असाइनमेंट आया क्या आपके मोबाइल पे, किस कोई तो एक जन अपना स्क्रीन शेयर करो. समवन जस्ट शेयर. हाँ, कौन शेयर करे? निखिल. नाउ निखिल इज ओपनिंग अ गूगल क्लासरूम. अभी देखो यहाँ पे नहीं नहीं बैक करो, इसको मत ओपन करो. यहाँ पे देखो यूअर वर्क दिखा है ना. नहीं नहीं नहीं, मतलब वो फर्स्ट पे क्लिक करो, न्यू असाइनमेंट पे करो क्लिक. हाँ,
योर वर्क देखो नीचे एरो आ रहा है ऊपर जाने के लिए, हाँ सर, हाँ उसको क्लिक करो, इधर अटैचमेंट का रहेगा देखो कुछ तो, एड फाइल या अटैच फाइल ऐसा कुछ रहेगा देखो, क्या दिख रहा है? नहीं है सर। अरे एड वर्क था ना उधर, एड वर्क था ना, एड वर्क रहेगा ना, हाँ एड वर्क है, हाँ उस पे क्लिक करो और फिर वहाँ पे जाके अपलोड पे क्लिक करो, किया सर। अभी कुछ भी अपलोड मत करो, जो पीडीएफ बनाओगे वो अपलोड करना बाद में वहाँ से, बाकी सब लोग ध्यान में रखो। समझ में आया प्रोसीजर आपको? अदर यस सर, यस सर। वर्क करके करना है और फिर अपलोड करना है फाइल, ठीक है? सब लोग को क्लास का लिंक मिला क्या? सूरज करके है कोई? सूरज, लेट मी, हाँ एनरोलमेंट नंबर के लिए बताया ना मैंने, आपका नाम भी लिख सकते हो आप। So should we go to the next topic, next chapter पे, next topic पे जाएंगे? Are you all ready? Let me know in the chat box. Excuse me sir. हाँ बोलो। सर अभी जैसे आपने मेथड बताया कि अपलोड करना है, तो वैसे जो आज अभी जो लिंक भेजा है अपलोड कलेक्ट स्टडी डेटा सेट ऑफ कंडक्टिंग, तो उधर जाके भी अपलोड कर सकते हैं? हाँ उधर भी कर सकते हैं, बट मोबाइल पे आपको करना है एड वर्क करके, तभी मुझे वो दिखेगा। ओके, तो वो लिंक पे जाके नहीं मिलेगा? लिंक पे जो आपने ये भेजा है ना, क्या बोलते हैं गूगल? नहीं नहीं, लिंक पे जाके नहीं करना है, बराबर। तो जिस तरह से हमने अच्छा मुझे शेयर करना है, तो एक न्यू अपडेट आपको आया होगा गूगल क्लासरूम में, दैट इज सर योर वर्क में जाने का सर, अचीवमेंट चैप्टर 2 इंसुलेटिंग मटेरियल, फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। तो इंसुलेटिंग मटेरियल इज योर नेक्स्ट वन, जिसमें हमने नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं अभी। ओके सो सर, हां ओके, सो कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में देखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में एज वेल एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके प्रॉपर्टीज एंड एज वेल एज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयर वी कैन क्लासिफाई देम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ अवर इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। देन फाइबरस मटेरियल, सिरेमिक मटेरियल, देन पॉलीमर, प्लास्टिक और रेजिन्स टाइप ऑफ मटेरियल, तो ये सारी चीजें हमें इंसुलेटिंग मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है दैट वी हैव टिल नाउ स्टडीड द कंडक्टिंग मटेरियल, रेजिस्टेंस मटेरियल एंड नाउ इंसुलेटिंग मटेरियल वी आर स्टार्टिंग। सो गिव अ हेडिंग इन योर नोटबुक, इंसुलेटिंग मटेरियल। सर वी हैव टू राइट दिस फुल? नो, वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद द इंसुलेटिंग मटेरियल टॉपिक। श्रेयांश क्या पूछ रहा है, लिखना है क्या? लिखना है बट नॉट फुल्ली, उसमें से पॉइंट्स ही आपको लिखना है। So let's see what we have for insulating materials introduction. So first of all, we see that purpose of an insulator is to prevent the unwanted flow of current from the energized conductor or a conducting parts of any electrical appliances. Then electrical insulation plays a vital role in every electrical systems. An electrical insulator provides a very high resistance to the so that practically no current is flowing through it. Okay. So basically insulating material or insulator contains a very small amount of free electrons, charge carriers, and hence could not carry the electrical current. But a perfect insulator does not exist, so insulator can break down also. So examples kya hai wo batata hu main aapko. Someone just kone yahan pe ye, ha Shreyansh kya karo, unmute karo aur ye pura read karo abhi. Okay, excuse me sir. Ha bolo. Sir abhi फर्स्ट टॉपिक जो था मटेरियल फॉर रजिस्टर एंड कंडक्टर्स, तो उसमें हमने सबसे लास्ट पे लिखा है इम्पोर्टेंट अप्लायंस ऑफ रजिस्टर्स, अभी उसका मैं थोड़ा आधा ही हुआ है, तो उसके बाद अभी जो आप सिखा रहे हैं ये टॉपिक वो कंटिन्यू करना है क्या लिखने को? लिखना नहीं है कुछ, देखो ये सब हमें कुछ लिखना है या ऐसा कुछ करना है वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। What you understand from this is important, तो उसको बोलते हैं समरी। तो ये पर्टिकुलर पीपीटी को आपको स्टडी करने के बाद
क्या क्या समझ में आता है वो पॉइंट वाइज लिखना है. पॉइंट वाइज कैसे लिखोगे कि इंसुलेटिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, रेजिस्टेंस मटेरियल. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग करना है. सो अभी इसको रीड कौन करेगा? जस्ट अनम्यूट एंड रीड द टेक्स्ट. हाँ, अनम्यूट करके चालू करो रीड करना. क्वेश्चन था. हाँ सिद्धेश बोलो. तो लास्ट टाइम इंपोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन रजिस्टर होने का उसके नीचे सुपर कंडक्टिविटी था, वो हुआ नहीं है. हाँ वो बाद में लेंगे, उसका सेमीकंडक्टर का मटेरियल आएगा तभी लेंगे. ओके, अभी इसको रीड करो स्टार्टिंग से. हाँ यस. पर्पस ऑफ इंसुलेटर इज टू प्रिवेंट द अनवांटेड फ्लो ऑफ द करंट फ्रॉम द अनएसडाइज्ड कंडक्टर और कंडक्टिंग पार्ट्स. इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्लेस अ vital role in every electrical system. An electrical insulator provide high resistance so that practically no current can flow through it. Basically, an insulating material or an insulator contains a very small amount of free electron charge carrier, and hence it couldn't carry electrical current. But a perfect insulator does not exist, because even insulator contains a small number of charge carriers which may carry leakage current, negligible small. In addition, all insulator become conductive. When sufficient large voltage is applied, the phenomenon is called insulation breakdown, and the corresponding voltage is called breakdown voltage. An insulating material must have high resistivity and high dielectrical strength. Additional desirable properties of insulating material depend on the type of application. Insulating material used for manufacturing insulated cables, wires must be flexible, such as rubber or PVC. On the other hand, insulating used to support overhead power lines must be mechanical strong, such as Proclean or glass insulator. So it's a porcelain, basically porcelain and glass insulator. So देखते हैं कि आपने देखा होगा ये porcelain insulators, जैसे आपके ओवरहेड कंडक्टर्स में आपने देखा होगा इसको. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. ओके गो अहेड, रीड अगेन. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. रेसिस्टिविटी. स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली द मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. रेसिस्टिविटी ऑफ अ गुड इंसुलेटर इज वेरी हाई. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज द एबिलिटी टू विथस्टैंड इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस विदाउट ब्रेकिंग डाउन. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज यूजुअली कोटेड इन किलोवाट्स पर मिलीमीटर. किलोवाट्स मिलीमीटर. रिलेटिविटी, परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी produced in a material to that produced in vacuum. Electrical dispensation factory dielectric loss is the ratio of a power loss in a material to the total power transmitted through it. It is given by the tangent of the loss angle, and hence it is also as a tan delta. So now these are the important properties of insulating material. So isme se important points aapko note down karne hain. Before that, द थर्मल क्लासिफिकेशन जो है मटेरियल का, वो आपको यहाँ पे दिखेगा. ये टेबल आपको अभी नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में. जैसे ही होगा वैसे टाइप डन इन द चैट बॉक्स. सर नोटबुक में करना है ना? हाँ, नोटबुक पे लिखना है ये टेबल. सर तो जहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल लिखा है उधर ही लिखना है ये? हाँ यस. डन विद दिस? नो सर. यस सर. ओके, सो बेसिकली इन दिस टेबल ना they are giving a classes of insulation. Now these classes of insulation are dependent on the temperature, maximum operating temperature. So these are like materials with the Y class, say for example. Then Y class is having a maximum temperature of 90 degrees, for example. So up to 90 degrees this material will be having the insulating properties, but after that the material can break down. Okay, so this is the for Y class. So next is Y class mein example say cotton, paper, silk and organic material. So if you are using these materials as an insulating material, then you can use it up to 90 degrees Celsius. Then next one is A class, that is where impregnated paper with the varnish, silk, polymer, cotton and resins, they can be used till 105 degree. Okay, then E class. So the temperature wise the letters are given, not like ABCD it is given. Okay, and then different materials
with a different thickness can be used for our insulation purpose. Okay, abhi dekhte hain what are the different types or classification of this insulating material. Okay, so first of all we see the physical. तो अभी बाद में लिखना, आपके गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी है ये अवेलेबल, ठीक है? ओके सर. देन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, लाइक सॉलिड मटेरियल सॉलिड स्टेट में है, कुछ मटेरियल लिक्विड स्टेट में है और कुछ गैसियस स्टेट में है. ओके, तो सबसे पहले हम इनको क्लासिफाई करेंगे उनके एग्जाम्पल्स के तौर पे. लाइक सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर फाइब्रस, सिरेमिक, माइका, ग्लास, रबर. These are the examples. Okay, then we have liquid insulating materials like mineral oil, synthetic oil, transformer oil, basically the oil which is used in transformer. Okay, that is what the oil is basically in a liquid format. Water cannot be used as an insulator, but it is a conducting material, so you cannot use the water in a practical way, but oil is most probably is used almost all the ways as a insulating material. Also oil has another property. Can anyone just tell me which property you think an oil has? Oil ke paas aisa aur kaun sa property hai jo aapko lagta hai hai karke. Oil is also, can anyone tell me? Oil is also having a property of cooling or heat transfer. To jo bhi heat transfer aapke instrument mein ho sakta hai uske wo oil ke wajah se bhi ho sakta hai. So if you are having a oil which is able to take a heat from the device, and that heat can be again dissipated in the atmosphere so that your equipment will become cool. So transformer oil ka ek aur bhi kaam hota hai apart from the insulation is the cooling purpose ke liye bhi uska istemal karte hai. Jaise aapne dekha hoga computer mein आपका जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर को कूल करने के लिए देयर इज अ फैन एंड अ हीट सिंक. तो सिमिलरली वी रिक्वायर्ड सम कूलिंग मैकेनिज्म, तो ऑयल जो है वो एक अच्छा सा कूलिंग एजेंट करके काम करता है. देन गैसियस मटेरियल लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सो इन शॉर्ट उसको SF6 गैस भी बोलते हैं, विच इज मोर कॉमनली यूज्ड नेम इन द इंडस्ट्री. SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 वॉल्स और SF6 बेस्ड या गैस बेस्ड इंसुलेशन, GIS सबस्टेशन, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, तो ये सारी चीजें जो है जिसमें गैसियस इंसुलेशन काम करता है. ओके, नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस गैस इंसुलेशन, या फिर हम बोलेंगे लिक्विड इंसुलेशन का बेनिफिट क्या हो सकता है, सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल का बेनिफिट क्या हो सकता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ऑल टुगेदर, जस्ट अनम्यूट एंड आंसर मी. व्हाट सर, इंसुलेटिंग मटेरियल का बेनिफिट क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को? सर आई थिंक इट रिड्यूसेस द हीट. वेरी फर्स्ट बेनिफिट यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यू आर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट इन द अनवांटेड डायरेक्शन. जो करंट फ्लो हो रहा है आपके मोबाइल फोन में या फिर आपके कंप्यूटर में, तो जहां पे उसका पाथ है, कंडक्टिंग पाथ है, वो पाथ में से ही अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई देन इट इज ओके. बट अगर जो आपका आउटर सरफेस है वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू हो गया तो आपके मोबाइल को भी बाहर से शॉक लगेगा जो अनडिजायर्ड है. तो वहां पर हमें उस टाइप का मटेरियल यूज करना है जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल. ये समझ में आया? यस सर. यस सर. आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, क्या किसको डाउट है अभी क्या हो गया? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज लाइक सेल्यूलोज एंड फाइबरस टाइप. केमिकल क्लासिफिकेशन इज लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो ये पॉइंट्स लिख के रखना है आपको. आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ इंसुलेटिंग मटेरियल, हाई रेजिस्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, देन high mechanical strength, high dielectric strength, highly resistive, then flow of leakage current to the earth. ये बहुत important है. It is preventing the flow of leakage current. तो ये सारे properties जो है वो आपको लिखने हैं. तो सर वे तो write the properties लिखना रहेगा और उसके ऊपर का वो वाला slide ना. हाँ, properties as it is लिखना है आपको.
ये वाला जो स्लाइड दिख रहा है आपको अभी, हाँ सर, ये एज इट इज लिखना है और ऊपर जो भी है उसमें से आपको नोट डाउन करना है, और ये जो टेबल वाला है ये आपको एज इट इज लिखना है। सर जो टेबल के बाद वाला जो स्लाइड है, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, वो भी लिखना है? हाँ, उसकी वजह से ये एग्जांपल्स लिखना है सिर्फ, सॉलिड का एग्जांपल क्या है, ओके, देन गैसियस का क्या है, लिक्विड का क्या है, ओके सर, बाकी सबका समरी टाइप एक एक दो दो पॉइंट आप लिख सकते हो। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी एप्लीकेशन, केबल्स एंड ट्रांसमिशन टावर के लाइन है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं, पावर सिस्टम्स में कंडक्टर्स के साथ साथ इंसुलेटिंग मटेरियल का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोर्टेबल अप्लायंसेस में आउटर जो आउटर सरफेस जो होता है वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का ही होता है, इलेक्ट्रिकल केबल के इंसुलेटिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल रबर मैट्स जो है वो सेफ्टी के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेजेस, फाइबर ग्लास का क्या एडवांटेज है, लाइट वेट है, लॉन्ग स्पैन अवेलेबल उसको मिलता है, लॉन्ग स्पैन मतलब क्या, वी कैन यूज अ शीट ऑफ दिस इंसुलेटिंग मटेरियल, देन सेपरेट स्ट्रक्चरल फ्रेम कर सकते हैं आप उसका, देन स्ट्रेंथ टू वेट मतलब स्ट्रेंथ है उसका, वेट कम रहेगा तो भी वो मटेरियल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा है, इट कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड, नॉन करोसिव, दीज आर द डिफरेंट मटेरियल्स एडवांटेजेस। सिमिलरली डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं हर एक चीज में, अभी हम देखेंगे तो पॉजिटिव साइड भी रहता है, नेगेटिव साइड भी रहता है, क्या क्या पॉजिटिव साइड है, क्या क्या नेगेटिव साइड है वो हमें देखना है। अभी कंपैरिजन करते हैं किस तरह से इसको यूज करना है, तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है कंपैरिजन पे, बट यू कैन जस्ट फोकस ऑन दिस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है सर, ये भी लिखना है क्या, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस? हाँ यस, इसमें से आपको जो समझ में आता है वो लिखना है। इधर तक समझ में आया? हाँ सर।